बेगूसराय में महाभारत काल की याद दिलाती एक घटना सामने आई है, जिसमें एक विवाहिता का चीर हरण कर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाभारत काल में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, लेकिन इस मामले में महिला के पति ने ही अपने चार अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। लगातार प्रताड़ना सहती महिला अब जिले के SP अवकाश कुमार से न्याय की गुहार लगा रही है। पति और सास ससुर ने काटे बाल। देघड़ा थाना क्षेत्र के मथुरापुर की रहने वाली रीना कुमारी की शादी 2009 में सिंघौला थाना क्षेत्र के पचम्बा निवासी उत्तम कुमार से हुई थी। शादी के बाद 2-3 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच रीना ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद पति और सास ससुर के द्वारा लगातार रीना देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है। रीना देवी ने बताया कि 4 दिन पहले इन सभी ने मिलकर उसके बाल काट दिए। तारीख को ही बाल काटने के बाद रोज मारपीट तो रोज हो रही है सर, रोज पर डे। कभी बगल के लोगों को बुला के, इसको बुला के, मतलब अगल बगल के लोगों को बुला के भी मारपीट होता है। खुद तो मारपीट करते ही हैं, लेकिन अगल बगल के लोग को बुला के मारपीट, गाली गलौज सारा चीज़ होता है। लेकिन कल मेरे साथ बहुत ही अभद्र किया गया है सर। 4 अज्ञात लोग थे सर, मैं किसी को नहीं जानती हूँ उसमें। पति थे, देवर थे, ससुर थे और सास ऊपर कमरे में थी। जब ये सब मैं हल्ला कर रही थी तब वो नीचे आई हैं और आके मुझे इस तरह का बोली कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं जाओगी तो तुम्हारे साथ बलात्कार होगा अगले बार। लगभग 6 महीने से मैं यहाँ हूँ सर। शादी कब हुई? शादी 2009 में हुई है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण इसका पता नहीं सर, यही लोग जानेंगे ना सर, क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। कहना है कि बच्चे को तुम दे दो मुझे और तुम यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। सिर्फ उन लोग का मकसद है कि मुझे मार दे और मार के मैं किसी तरह से हट जाऊँ, बस इस घर में रखना नहीं चाहते हैं सर। मेरे साथ ही नहीं, मेरे उनके छोटे भाई के घर में भी साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। उनके घर में छोटी पत्नी भी नहीं रहती है, छोटी बहू के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। सिंघौल थाना आए हुए हैं, न्याय के लिए आए हुए हैं सर। कमरे के बाहर खींच कर किया गया निर्वस्त्र। इतना ही नहीं, महिला के पति उत्तम कुमार ने अपने 4 साथियों को बुलाया और पहले अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर रीना को बाहर खींचकर निर्वस्त्र कर दिया और पिटाई की। जब सभी आरोपी चले गए तो मां की चीख पुकार सुनकर बेटे ने अपने मामा को इस बात की सूचना दी, फिर पड़ोसियों के द्वारा घर की कुंडी खोली गई। कल हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसके साथ रात 2 बजे में 3-4 लोग अज्ञात लोग गाँव से बाहर का जो थे इसके पति लेकर आए और अंदर घुसकर बच्चे को घर में बंद कर दिए और इसको बाहर निकाल कर निर्वस्त्र करके इनके साथ मतलब अव्यवहारिक काम किया गया, छेड़छाड़ किया गया और बोला कि अगर तुम नहीं भाग जाएगी तुम्हारे साथ आगे बलात्कार किया जाएगा और मार कर फेंक दिया जाएगा, कोई काम नहीं दिया देगा। इससे पहले भी हम लोगों के पास एक वीडियो क्लिप, सब लोग जो बाहर से आए थे तंग करने के लिए, वो गाली गलौज कर रहे थे, पूरा अभद्र व्यवहार, वो सब वीडियो क्लिप भी हम लोगों को भेजी थी व्हाट्सएप से, वो सब भी हम लोग के पास है। बच्चा से रात में फ़ोन किया, देखिए मम्मी के साथ ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है, हम लोगों को मतलब बंद कर दिया गया है और यही बोला कि जब मम्मी अंदर घुसी है तो निर्वस्त्र थी। वही सब सुनकर सुबह हम लोग आए हैं यहाँ पर, जाके ये सब लोग को थाना पर लेकर आए। आगे हम लोग थाना अध्यक्ष से मतलब न्याय करने की मांग कर रहे हैं। इनकी एक बहन है जो झारखंड में रहती थी, मतलब हम लोग सुने हैं, हमको कंफर्म नहीं है, उनके साथ शायद उसका अफेयर चल रहा था, पता नहीं इनके पिताजी भी उसमें संलिप्त हैं, इनको मारकर चाह रहे हैं कि उनसे शादी हो जाए। अब अंदरूनी बहुत महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी उसके पति और सास ससुर के द्वारा मोबाइल फोन पर धमकी दी जा रही है कि वह अपने मायके चली जाए, नहीं तो अगली बार उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाएगी। कल रात को सबसे पहले गेट के आगे 2 गोली चली है उनके गेट के आगे, और फिर हम लोग ने मामा को फ़ोन किया तो मामा लोग बोले कि गेट बंद करके रूम में रहो, गेट और खिड़की बंद कर दिया। कुछ देर के बाद है ना गेट खुलने की आवाज़ आई, जिसका हम लोगों ने फ़ोटो भी खींचा है। उसके बाद सर 3-4 लोगों की अंदर आने की पैर की आवाज़ सुनाई दी हम लोग को। मेरी दादी जो है उन्होंने गेट बंद कर दिया। फिर मामा लोग को हम लोगों ने फ़ोन किया फिर से, फिर मामा लोग बोले कुछ नहीं है, आराम से तुम सो जाओ।
फिर मैं सो गया था। उसके बाद मैं जब रात में उठा तो मुझे मम्मी की चीखने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई थी। तो मैंने गेट के पास जाकर के देखा तो मेरा गेट लगा हुआ था। इसके आगे मेरी मम्मी आज सुबह नंग हालत में आई थी और कपड़ा पहनी है। फिर मैंने पूछा तो ये तो बोली कि चार लोगों ने मेरे सारा कॉस्ट्यूम उतार दिया है। रात मुझे इससे पहले तो मारपीट होती ही थी मेरे साथ। कल रात को मुझे तीन चार अज्ञात लोगों के साथ मेरे हस्बैंड आए, गेट पहले खुलवाए और बाहर खींच लिए और मेरे बच्चे को बंद कर दिया गया रूम में, और उसके बाद मुझे पूरे म्यूट कर दिया गया सर। और अभद्र अभद्र बातें बोली गई। उसके बाद सास उधर से आती हैं, सास बोलती हैं कि घर छोड़कर चली जाओ, तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अगले बार बलात्कार होगा। इस घटना के बाद महिला ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।